जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा बाटी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SRD फिजिक्स। आज का वीडियो में हम एक जेई PYQ सॉल्व करेंगे एंड ये क्वेश्चन 2019 में आया था। द क्वेश्चन इज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए स्पीयर ऑफ रेडियस आर विथ ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आर इक्वल टू ए बाई आर स्क्वायर ई रेस टू माइनस टू आर बाई ए Where capital A and small a are constant. If Q is the total charge of this charge distribution, the radius of R is. चलिए देखते हैं हम ये क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आर दिया है। रो आर का वैल्यू कितना है, ए बाई आर स्क्वेयर ई रेस टू माइनस टू आर बाई ए। तो हमको पता होना चाहिए रो इक्वल टू डी क्यू बाई डी बी। तो डी बी इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू रो डी बी, डी क्यू इक्वल टू रो डी बी। तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू मिलेगा। तो डी क्यू को इंटीग्रेशन करेंगे मतलब रो आर डी बी को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखिए ये एक स्पीयर है, उसका रेडियस है आर, पर क्वेश्चन में दिया है कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए स्पीयर ऑफ रेडियस आर। तो विद इन ए स्पीयर मतलब इसके बीच में हम एक स्मॉल एलिमेंटरी सेक्शन लेंगे जिसका रेडियस है स्मॉल आर एंड इसका विड्थ को ले लेते हैं डी आर। तो ये जो स्मॉल एलिमेंटरी सेक्शन ली है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू फोर बाय थ्री बाय आर क्यूब। और हमको क्या चाहिए, डी बी। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर बाय आर स्क्वायर डी आर। तो अभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्यू रो आर के जगह ए बाई आर स्क्वायर ई रेस टू माइनस टू आर बाई ए। डी बी का वैल्यू कितना है, फोर बाय आर स्क्वायर डी आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ये जीरो से आर तक, जीरो से आर तक। तो फोर पाई ए कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर निकाल दिया, जीरो टू आर ई रेस टू माइनस टू आर बाई ए डी आर। फोर पाई ए तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, e रेस टू माइनस टू आर बाई ए बाई कितना हो जाएगा, टू बाई ए माइनस टू बाई ए, लिमिट हो जाएगा जीरो टू आर। तो अभी कितना बन गया, फोर पाई ए माइनस ए बाई टू, क्योंकि ए कांस्टेंट है, e रेस टू माइनस टू आर बाई ए जीरो टू आर। तो Q इक्वल टू फोर पाई टू से टू को कैंसिल कर देंगे तो टू हो गया। तो ये कितना बचा, माइनस टू पाई ए ए। अभी लिमिट डालेंगे तो ई रेस टू माइनस टू कैपिटल आर बाई ए माइनस ई रेस टू जीरो। तो Q इक्वल टू कितना बन गया, माइनस टू पाई ए ए ई रेस टू माइनस टू आर बाई ए माइनस वन। ये कितना हो गया, क्यू बाई टू पाई ए ए माइनस ई रेस टू माइनस टू आर बाई ए माइनस वन। तो क्यू बाई टू पाई ए ए माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस ई रेस टू माइनस टू आर बाई ए हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, एक्चुअली हमको आर चाहिए। क्या चाहिए, आर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई रेस माइनस ई रेस टू माइनस टू आर बाई ए इक्वल टू क्यू
बाई 2 पाई ए माइनस वन। तो ई रेस टू माइनस 2r बाई ए कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस q बाई 2 पाई ए। तो अभी हम क्या करेंगे, बोथ साइड में लॉग अप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2r बाई ए, क्योंकि लॉग एंड ई कैंसिल हो जाएगा, लॉग 1 माइनस q बाई 2 पाई ए। तो माइनस को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2r बाई ए लॉग 1 बाई 1 माइनस q बाई 2 पाई ए। तो r हमको चाहिए, तो r कितना हो जाएगा a बाई 2 लॉग 1 बाई 1 माइनस q बाई 2 पाई ए। दिस इज योर आंसर। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। जय जगन्नाथ।